चूस रही हूँ, आपको मजा आ रहा है? घंटा मजा आ रहा, मेरा तो चूस नहीं रही, मेरा चूसने की जब तो मजा होगा। मैंने तभी बोला कि इतनी सारी प्रोडक्ट मत लिया करो, नेचुरल रहो। ओए मैडम, तने चूत गुलाबी बनानी हो तो या भेजो आपके पास, ये क्या है चूत गुलाबी बनाने की, अगर जो आपकी काली हो रही हो तो। ठीक है सुनो सुनो, अभी आपको है ना, मैं आपको दिखाती हूँ आपके अंदर कौन सा ये फिट होगा, चार्जर वो लगा के अपना लंड चार्ज कर लेना। अरे अरे मेरी बात सुनो मैडम, आप इतने लंडो में रहते हो, आपकी चूत काली हो रही होगी, वो जो टैबलेट दिखाई है ना वो गुलाबी बनाने की है। Did you see it like when he come? Did you see it? Yeah. I told you. मैडम मैंने आपको बांट दिया ना, आप ऐसे मुर्गे की तरह पोस्टर पे छप के आया करोगे मुर्गे। मित्र हमारा जी थे ना, मैं एक बात बोलूं पंकज जी, आपके आपके लंड को फिल्टर लगाना पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके लंड को फेशियल फेशियल करा के लाना। मैं सुने, मैं लंड नहीं इतना साफ रखूं भगवान की किस्म, मुट्ठी मार कर भी दो, सुन मेरी बात सुन, मुट्ठी मार कर बढ़िया दो, पेशाब कर कर बढ़िया दो, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी, बिल्कुल लाल मिलेगा आपको, बिल्कुल लाल। अच्छा। नहीं और आपका पेशाब कैसा जाता है, लाल जाता है क्या? पेशाब तेरी बहन का कैसी बात करने लग गया, पेशाब की सुबह पानी की तरह, पंकज जी आपका आपका पेशाब, मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ करना है ना, तो मैं पूछ रही हूँ आपका पेशाब, पेशाब का क्यों नाम ले रहा तू, पेशाब का कितना पीना है? मैं तो आपका पेशाब है ना रोज रोज शरबत मतलब समझ के पी लूंगी, टेंशन ना लो। मेरी बात सुने, एक गंडवा पीटा था मैंने, वो बहन का लोड़ा, मैं वहाँ चला गया कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पे नहाने, अमावस को नहाने जाते हैं, वहाँ मिल गया एक गंडवा मेरे को, वो बहन का लोड़ा पहले कुरकुरे खा रहा था, वो मिला मेरे को रेलवे स्टेशन पे, और भाई वो कुरकुरे खा रहा था और वो मेरे पास आके बैठ गया, और सुंदर स्मार्ट था उसने, भाई बात करते करते ऐसे ही मेरे पे आकर नहीं था, मेरे लंड पे आ, बहन का लोड़ा मेरी नजर गई, एकदम हाथ दूर कर लिया उसने और मेरा लंड खड़ा हो गया। मैं बहन का लौटा देता, मगा यार रात हो रही और तो कोई मिला नहीं, मगा इस्ते चुसा दे, मगा गांड दो, मैंने कभी गांड नहीं मारी, कभी किसी गंडोवे की या कभी किसी और की, मैंने सिर्फ लगाई होगी लेडीजों की लड़कियों की चूत मारी है, तो भाई उस दिन मेरा दिल कर गया, मगा जिस आप चुसा आप दे ना, आप दोनों तरफ से ले लेना, ट्राई करना, बात तो सुन ले। अरे दोनों तरफ लेने के सुराग तो तेरे अंदर दिया भगवान ने, तू ले लेना मेरी बात। मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ ना, वही तो बोल रही हूँ, आपको कोई लड़की सामने से नहीं बोलेगी, मैं आपको बुला रही हूँ, आप एक बार राजपूताने की चूत और गांड दोनों मार के देखो, आपको कैसे कैसे तीखे तीखे सपने आते। सपने तो तने आकर मन को नहीं आने दिया, मैं जब तेरा बांटूंगा नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ पंकज जी कहाँ भाग गए, ये दूर जा गए। अच्छा पंकज जी आपने इतनी लंबी टी शर्ट क्यों पहनी है, लंड को क्यों छुपाते हो? लंबी तो टी शर्ट लंबी है नहीं, वो नीचे लंबी बोल रहे, नीचे लंबी। हाँ टी शर्ट थोड़ा ऊपर करो ना, इतना अच्छा लंड है। तो तेरी आंखें क्या एक्सरे है क्या मित्र? हाँ हाँ तेरी आंखें एक्सरे है क्या? नहीं नहीं या वैसे फीलिंग ले ला लंड की तो। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मजे ना के मन लाई मैं चोद दी तू। મિતલ હમણાં જેટલા ઉપર થયા હતા ને ઓરાયો તો ત્યારે સુને મેડમ એના 3 થી 4 ગુણા થાય વધારે મેડમ મને ચોદી ની બુટે કી તરહ સારે બાળ ઉઠ જંગે સિર કે મેરી બાત સુન મેડમ મને જા તેરી ચૂત મે બાટ દિયા ની ઇસ બુટે કી તરહ સારે બાળ ઉઠ જંગે ગંજી હો જેગી મેરે તો લેઝર ટ્રીટમેન્ટ હે મેરા તો લેઝર ટ્રીટમેન્ટ હે કભી બાલી નહીં આતે એટલે જાજે જરૂર મેતન કીધું ને ઈ જે હું કહું છું ને નોકી સમજી ગઈ આઈ ટોલ્ડ હર લાઈક ધે ડોન્ટ યુઝ અ આર વર્ડ એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ સો યુ હેવ અ ફન ધેર ઈ તો તન કહું છું હમણા જેટલા થયા હતા ને એક એના 4 ને 5 થાય ખબર છે બોલા ના ચિંચુજી ને જીતના આપ ફન કરકે બોલ કે હમ લોગ ભી એસે આન્સર દેંગે બોલ કે સો હી જસ્ટ ડુ ધેટ વન નો ઈ રિસ્પેક્ટ આઈ નો ધીસ કરી એટલે તું જાજે પણ નોકજી તું ભી તુમ લોગ પૂરો ટાઈમ પર દેખ લેના હા મેં અગર વો હો મેં તો દેખોગી નીચે બેઠ કે
फेक आईडी नहीं जाओ जी मैडम मेरी थोड़ा सॉरी आपसे डिलीवरी बियर आ गई वो थोड़ा मैंने इनवॉइस चेक करनी पड़ती है भाई क्या क्या आइटम आया ओके सॉरी मैडम कोई बात नहीं मैं जाना नहीं चाहता था इस चुदाई में मजा आ रहा था कोई बात नहीं पंकज जी इसको दोबारा फिर लेना फिर दोबारा नहीं ये हम लोग की दोस्त है बहुत अच्छी दोस्त है हम लोग की okay, आज रात को तो आप लोग मिल रहे हो ना चिंटू जी की लाइव में आप लोग मिल रहे हो अरे रात को कहाँ मिल रहे फोन पे तो मिल रहे होते तो ये दोबारा ये नहीं कहती मेरे को लंड चाहिए मिलने के लिए तो आप नोक्षी से मिलना चाहते हो ना अरे इसकी भी तो चूत की खाज मिटानी जरूरी है नहीं ये जगह जगह चुदेगी बदनामी करवाएगी हमारी इंडियन नौकरी मेरा तो चालू है देखो मेरा तो चालू है ओह माय गॉड बहन का लोड़ा के तो बताऊं तेरे तक के ना बताऊं क्या बताऊं तेरे को he is handsome whatever जो भी है चल ठीक है मैडम ओके बाय बाकी दोबारा आवे तो अपना तेल तान लगा का ये कभी बोलना दुख कर दिया ठीक है भाई चलो इनका इनका इन लोगों का है ना नॉक्सी यही रहता है सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा कहां वो लोग लैंग्वेज हरियाणवी लैंग्वेज है बट फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है इट्स फाइन हां नॉक्सी होगी ना वो समझा देगी नॉक्सी को ज्यादा आता है पूरा तो मैंने बोला कि दोनों को पूरा नहीं आता थोड़ा थोड़ा मुझे नॉक्सी ने बताया था कि वो लोग है ना ऐसे वो शायरी वायरी करते ना वो चुटकुला में मेरे को चुटकुले में समझ नहीं आता मुझे सिर्फ चुत में समझ आता है कब से ना चुटकुला ट के बजाय त बोलती है देख इसको चुटकुला नहीं बोलती है देख इसका प्रोनाउंसिएशन देख तो देखा वो लाइक यू सी राइट मित्तल ही जस्ट कम फॉर 2 मिनट्स पर मित्तल साची है ना चार गुना हो चार की पांच के गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि टुडे लाइव हम पंकज जी के साथ और चिंटू जी के साथ 10:30 बजे साथ करेंगे 10:30 को यानी कि 10:30 को तो आप सारे मेरे को जिनको भी मेरे को गाली देनी है ना जी भर के गांड मारनी है वहां पे आ जाना तो 10:30 को आप गाली देने के लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा नहीं तो आपकी गाली हवा में जाएगी लंड में जाएगी तो आप हमें फॉलो कर लीजिए पहले और मैं ना तुझे वो साउंड भेज देती हूँ तेरे लिए वो जो साउंड की मैंने बात की थी हाँ. वो एकदम परफेक्ट है तू इसमें एक्सप्रेशन करके देख के बना सकती है एक बार दे दू फिर बार बार तू कहाँ जाएगा भाई मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं फिर बोलता है चुत दे देख बार अगर कोई नहीं है तो प्रीति है नीचे हाँ प्रीति को लेती हाँ प्रीति कब से है यस हेलो रेखा जी प्रीति क्या दिखा रही है कितना मस्त है ये स्माइली हाय प्रीति हाय जी कैसे हो नोक्सी कैसे हो मुझे चुटकुला क्या होता है क्या कह रहे थे ना परसों से बोल रहे थे ना पंकज जी के साथ मैं इससे मिलवा दूं बोल के सो वो चुटकुला मारते हैं मेरे को तो कितना चुटकुला मार दिया मेरे को तो क्या क्या बोल दिया अच्छा ये थे पंकज जी मैं तो अभी से देखी लाइव थोड़ी देर पहले मजा आ गया मौज आ गई ये पंकज जी फिक्स रहते हैं और वो चिंटू जी फिक्स रहते हैं और दूसरे चिंटू जी को जानते हैं प्रीति चिंटू जी को जानते हो नहीं जानती अच्छा तो उनको भी आज ये सेकंड टाइम मेरे लाइफ में सेकंड टाइम हुए मैं सैम के लाइफ में जुड़ी थी मोनू कलावा जी हेलो प्रीति इंडिया के 10:30 बजे ना मित्तल को तो फॉलो करती हो आप मित्तल जुड़ेगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी मित्तल और नोक्सी तो इनकी लाइव देखना बिल्कुल जरूर देखो आज आओगे आप दोनों हाँ आज इंडिया के 10:30 बजे ये लोग मैं नहीं जाती ये लोग होंगी मैं लाइव में नहीं जा सकती मैं देखूंगी यार मजे ले मैं और आप प्रीति हम लोग जाने लायक नहीं हम नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते हम नीचे से नीचे से देखेंगे भाई हम दर्शक बनेंगे अपनी राइट 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 यार मित्तल यार क्या जवाब देती है मैं तो सुन के हाय कितना लिख रहा है चूत 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 व्हाट द फक नहीं एक ने लिखा है कि मिस मित अपनी फुल बॉडी दिखाओ एक बार हम एक बार दिखाओ पर तेरे को बार बार मूठ मारनी पड़ेगी उसका इलाज क्या होगा भाई साले मेरी बॉडी के भी दीवाने हैं बोसड़ी के
ले ले मेरे चूत ले ले और तेरा लंड मेरे को दे दे आज रात के लिए, पंकज जी के साथ जाना है। अच्छा बंदा था यार, बात करने का क्या जुनून था। प्रीति मजा किस बात का आता है ना, उन लोगों ने सोचना नहीं पड़ता है, रेडी होता है, रेडी होते हैं वो लोग। हाँ और वो कविता जैसा बोलते हैं ना वो लोग, राइमिंग वर्ड एंड में राइमिंग वर्ड में, वो लोग का टोन ही अच्छा होता है वो जो हरियाणी में बोलते हैं ना। मेरे को तो अभी मुझे इतना समझ नहीं आता है ये हरियाणी पंजाबी, पंजाबी है पंजाबी नहीं हरियाणी है वो लोग, पानी नोक्षी तो मित्तल जाएगी तो तुझे तो समझाना पड़ेगा इनको, या उनको बोलना पड़ेगा कि थोड़ी प्योर हरियाणवी ना बोले, थोड़ा सा मिक्स हिंदी के साथ बोले तो ही इसको समझ आएगा। नहीं एजेंट ये क्या बोलता है कि मैंने ज्यादा से देखा है पंकज जी ज्यादा हरियाणी उसको टोन होता है, लेकिन चिंटू जी का नहीं, चिंटू जी के में बहुत जोड़ते हैं ना, चिंटू जी का प्योर नहीं होता क्योंकि सैम के साथ जब बात करते हैं मैंने देखा है। हाँ तो अरे चिंटू जी कहाँ से है? हरियाणा से, वो हरियाणा से है, हरियाणा से है। वो लोग के कन्वर्सेशन के लिए पब्लिक आते हैं यार, वो खींचते हैं, दे आर नो रोस्ट पीपल बट दे खींचते हैं बातें को, जैसा तू क्वेश्चन करेगी ऐसे ही आंसर देंगे, तेरा आंसर भी ऐसे करके वो करेंगे ऐसा करके खींचते, और वो तू कर सकती है मैं नहीं कर सकती, मुझे भी इतना नहीं आता। लेकिन मुझे अच्छी बात इन लोगों की क्या लगती है कि जैसे पंकज जी को पता है मैं नहीं करती तो उन्होंने मुझे एक वर्ड नहीं कहा। ओके चिंटू जी भी जब आए थे लाइव में उन्होंने मुझे नहीं कहा, अभी की नहीं पहले भी चिंटू जी दो बार मिल चुके हैं मुझसे, तब भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, और यहाँ भी जाते हुए यही कहा कि जैसा आप करोगे वैसा ही हम बोलेंगे। तो वो क्या होता है कि वो जो ना दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ये रोस्टिंग चलती है, तो ये ठीक है, ऐसा नहीं अगर आप बोलोगे बंद तो बंद, चलो तो चलो, दिस इज गुड। फर्स्ट टाइम देखा था उनको वो पहले भी लाइव में आए, नहीं वो लोग जब चुटकीला बोल के वो लोग दोनों हंसते इतना मजा से हंसते करके हंसते। ये किसी ने क्या कमेंट किया है, उत्सव ने लिखा है कि जितना तेरा फेस बड़ा है उसके उससे बड़ा क्या लिखा है, पिन करना नॉक्सी इसकी कमेंट क्या है, विच वन उत्सव करके कोई आईडी है पता नहीं, एक मिनट क्या लिखा है, तेरे साथ आज हनीमून बना लेते हैं, उनका उत्सव करते हैं, आजा उत्सव, चला गया ऊपर चला गया ऊपर चला गया यार। बेटा दोबारा कर कमेंट और इतनी लंबी कमेंट का मत कर, थोड़ा 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 हम झेलेंगे तेरे को, ठीक है, इतना ज्यादा फेम नहीं मिलेगा तेरे को। सही बात है नोक्सी, वो पहले भी आपकी लाइव में आए थे या फर्स्ट टाइम आए थे? वो आए थे, मैं उनके साथ तीन बार हो चुकी हूँ जुड़ा हुआ, सैम ने मिलवाया, सैम ने मिलवाया, बेसिकली वो तब आते हैं जब आप सो रही होती है प्रीति, बिकॉज़ हम लोग इंडिया की सुबह को आते हैं ना, वो तब जुड़े हैं हमारे साथ। ओके अभी जैसे हम मेरे छह हुए हैं, एजी आपके सात हुए हैं, पांच मेरे ये पंकज जी और चिंटू जी फिक्स होते हैं और दूसरे लोग होते हैं, वो दोनों फिक्स होते हैं, फाइव यहाँ पे पांच बजे एग्जैक्टली फाइव फायर हुए, मैंने तो उनको फॉलो भी नहीं किया, कोई नहीं नोक्सी या मित्तल की लाइव से पता चल जाएगा। मित्तल जुड़ेगी या नोक्सी जुड़ेगी तो नोटिफिकेशन इन दोनों की आएगी। हाँ आ जाएगी। काले एजी थोड़ा गुजराती में बात करू, काले पेलू जो तू अचानक मारा फ्रेंड जुड़े थी फरी ने पछी आई ने मैं लाइव चालू करू तो पेला भाई जोला थे तू पछी आई थिंक फेक आईडी थी के खबर नहीं मने नहीं खबर पण ए मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट मी जेने वो बात कर तू तारी बारे में। हां मैं अरे उ तो आई ने मारा फ्रेंड ने एक्चुअली एने कलाक पाछु वधार रोकानो तो मारो फ्रेंड आउट ऑफ सिटी थी हतो तो मने के यार मारे एक कलाक वधार रोकानो छे शू करू मैं कीधु कई नहीं आऊ घरे अने एनी फेमिली मने ओळखे छे तो ए बिचारो ज्यां लगीन बहार होय के इतना जाऊ अहीं घरे तो हूँ घरे आवी गई पछी मैं जस्ट सडनली लाइव चालू कर्यू तो आ भाई अंदर बधुं डिस्कस करे કે ભાઈ મેં એને દર વખતે મોકલું છું લાઈવ એ ના આવે તો હું શું કરું મારે તો આ મારી ફેમિલી છે આ છે તે છે મેં કીધું આને મારું નામ કેમ નહીં લીધું
અનફોલો કરી દીધું છે આમ છે તો એની બોલે એની બાઈ એમ બોલે કે હા તો વાંધો નહીં જેને કરવું એ કરવા દે જવા દે એમાં શું છે આમ છે તેમ છે એટીટ્યુડમાં અરે બાપા હું તમારા ભેગી હું જોડાવાની નથી કઈ નથી મન નો નહીં પણ એજી એટલે તેને અનફોલો કર્યું હા મેં કર્યું છે આને કર્યું છે આમ બે જણે કરી નાખ્યું છે અને અમે એના એના જોડાશું નહીં ના એના સાથે વાત કરવાની છે ના કાઈ ઓકે ના એ અમારે અહીંયા જોઈને લાઈક કઈ કરે છે કોમેન્ટ કે કઈ તો પછી એને શું હું એનો અથાણું નાખું પણ યાર એને ચલ ઠીક છે મને છે ને હું મોડા પર બોલી દઉં એકવાર મને કોઈ ફરક નહીં પડે ભાઈ મારે ફોલોવર્સ એની માની છું મને કોઈ ફરક નહીં પડે બધા ફોલોવર્સ પણ મેં એકવાર મોડા પર એને સંભળાવી દીધું કે ભાઈ હું તો ચલ હું તો રિયલ આઈડી થી આવી હતી મને તો ખબર નથી તમે લોકો મારી જ વાત કરો છો સલાહ મેં જિંદગીમાં એજી મેં એની બેક પાછળ બેક બીચિંગ નથી ગયું હું ક્યારે બી કોઈ બી મને પૂછે ને કે આ કેવો છે આમ છે તેમ છે તો એવું કહું ભાઈ દે લાઈક માય ફેમિલી હું ક્યારેય માટે કોઈ માટે ખરાબ નહીં બોલું પણ એને કાલે જે બીચિંગ કર્યું ને પણ એને મારો આઈડી જોઈ લીધું અને પકડાઈ ગયો બાકી હજુ વધારે એને જોયું નહીં હોત ને આઈડી તો બીજું બધું બી બોલતો પકડાઈ જતું પણ એવું બોલ્યો કે દર વખતે લાઈવ શેર કરું છું આ છે તે છે ના આવે તો હું શું કરું એનો અડધો કલાક પહેલા જ ફોન આવ્યો હતો મારી પર એને ગુડ્ડુજી નો નંબર જોઈતો હતો તો મેં કીધું કે હું આપું છું મેં કીધું મારું જે છે તે કે એ નથી લાગતો મને કે આ તું મતલબ એને હિન્દીમાં પૂછ્યું કે તું ક્યાં છે બેન મેં કીધું હું બહાર છું ભાઈ એટલે મને કે લાઈવમાં મેં કીધું થોડુંક લેટ થશે આઈસ ખરી તો બી લાઈવમાં એ જ ટોપિક લઈને બેઠો વિચ ઇઝ રોંગ યાર તો તારે કહેવાય ને કે અને એક વાત કહું સાંભળ તું એમ કેસ તું હંમેશા એમ કેસ કે એના લીધે તને મળ્યું છે આમ ને તને બેસવા દીધું ને આમ તેમ પણ તારા લીધે ચાલતી હતી લાઈવ ઓકે તારા લીધે ચાલતી હતી તારા બોલવાના લીધે ચાલતી હતી એક છોકરી બેઠી હોય અને એક છોકરો બેઠો હોય ને હે તો યાદ રાખજે કે છોકરીના લીધે લાઈવ વધારે ઉપર જતી હોય જો ઊંધું બોલે તો સમજી યસ 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 તો એમને મેં એમને કાલે કહી દીધું કે જો મને તમારી જોડે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં કે બીજા કોઈ જોડે નથી તે કે મેં તમને વારે ઘડી લાઈવ મોકલું તમે આવતા કેમ નથી એવું મને કીધું હિન્દીમાં મેં કીધું સી લિસન હું 4 દિવસ તમારા લાઈવમાં આવવાની કોશિશ કરી પણ જયારે કોઈ અંદર ચૂતનું પ્રદર્શન કરે એ સ્ટાન્ડર્ડ મારું નથી એટલું ના કરતી મિત્તલ એ તો ના કરતી